हो गया, मेरे का क्यों रो रही हो? मत पूछो कौन रुला रहा है मेरे को, बताओ। यहाँ देखो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का टाइम हो गया है एंड मैंने नहा लिया है और मैं कर रही हूँ मंदिर साफ, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है और एक हफ्ते से मैं पूजा नहीं कर रही थी। आप लोगों को पता ही होगी कोई लेडीज वाली प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेरा जो मंदिर था, मतलब ऐसा नहीं था कि हमारे घर कोई पूजा नहीं कर रहा था, बाकी ऐसा हो रहा था कि अगरबत्ती दिया जला देते थे ऐसे साफ आप नहीं करते थे। और वैसे भी ये हमारे गेट के जस्ट सामने मंदिर है तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो मैं इसको साफ कर रही हूँ और इसके बाद मैं करूंगी पूजा। यहाँ पे मैंने बर्तन जो मतलब दिया बत्ती और अगरबत्ती लगा रखी थी वो धो दी है, मांझ दी है, मतलब बस इसको साफ करके मैं करती हूँ पूजा और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कहाँ कहाँ फूल तोड़ने जाने लगे एकदम? खुद के हाथ से खुद की मेहनत करके अगर फूल तोड़ते हैं ना तो भगवान को भी बहुत ज्यादा स्वीकार। अभी देखो ये भी लगे हैं बट ये बहुत ऊपर में लगे, वो डगाल नीचे करो ना। मैं आ गई हूँ किचन में, बनाने आई हूँ खाना मतलब लंच, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये घी बनाया हुआ था सुबह में, मतलब नहाने के पहले ही बना दिया था, तो ये ठंडा नहीं था और मुझे रखना था इस डब्बे में, तो इस वजह से मैंने सोचा बाद में इसको छान के रख दूंगी। तो अभी ये सारा घी है ये इसमें डब्बे में पलटाऊंगी। और ये हमारे यहाँ तो मतलब अभी इस टाइम पे पापा जहाँ से दूध लाते हैं इतना अच्छा दूध आता है ना कि 10 दिन की मलाई का ये घी है और इतना निकल आता है कि ये 10 दिन पापा की रोटियों में लग जाता है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे बेसिकली बहुत कम खाते हैं घी, लेकिन पापा को मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि उनको घी दिया जाए क्योंकि अच्छा होता है, और बच्चों को भी देती हूँ तो इसलिए वो आराम से चल जाता है। बच्चों में क्या मंस तो उतना खाता नहीं है, मिशी का थोड़ा बहुत खा ही लेती है, मिशी का दाल में नहीं पसंद करती, और मतलब रोटी में लगा दो तो खा लेती है पर दाल में अगर दो तो नहीं खाती है। पापा को तो मैं मतलब रोटी में भी दे देती हूँ, दाल में भी डाल देती हूँ कि वो थोड़ा सा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और आज पापा की थोड़ी सी तबीयत भी गड़बड़ है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, दर्द वर्द नहीं हो रहा है कुछ, पेट खराब सा लग रहा है उनको, तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आया कि मैं उनके लिए मूंग की दाल बनाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है, ऑल्सो उनको इतना हैवी कुछ देंगे तो नुकसान करने का भी डर रहता है, तो हल्का फुल्का रहेगा। मूंग की दाल और दलिया डाल के अच्छी वाली खिचड़ी बनाऊंगी लिक्विड, और उसमें अच्छा घी डाल दूंगी, रायता बना दूंगी तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बस ये घी मैंने छान लिया है, इसको रख देती हूँ मैं साइड में, और क्या करना है अब खाना बनाना है, लेकिन उसके पहले बच्चों की डिमांड है कि उनको चाय के साथ बिस्किट खाने हैं, सो मैं वो भी बना रही हूँ। एंड ये देखिए इतना ये पूरा खाली था और आधा डिब्बा से थोड़ा कम है, मतलब अच्छा खूब सारा घी निकल आया है, यहाँ से देख पाओ आप, देखो आधा यहाँ पे होता ना, कितने देर में निकला है? 10 दिन में, 10 दिन की मलाई में, मतलब हाँ महीने भर में 1 किलो घी एक आएगा? किलो आराम से निकल जाता है। और ये दूध मिलता है 60 रुपीज का,
एक एक लीटर, तो हमारे यहाँ पे 1 लीटर आता है सुबह में और आधा लीटर आता है शाम में, तो उस हिसाब से ये 10 दिन की मलाई थी। चलो अब मैं चाय बना लेती हूँ। चाय तो भाई हमने बना दी है, बिस्किट अपने अपने लेके गए हैं प्लेट में, और मैंने बोला आप लोग जाओ मैं चाय लेके आ रही हूँ, और ये चाय मेरे लिए है। मतलब जो चाय लवर होते हैं ना, लोग बोलते हैं गर्मियों में कैसे चाय पी लेते हैं, मैं बताती हूँ कैसे पी लेते हैं, बताती हूँ। जाए जा बिल्कुल ऐसे क्या हो गया, मेरा क्यों रो रही हो? मत तो पूछो कौन रुला रहा है मेरे को, मैं बताऊं? यहाँ देखो तो मैं बताऊं कौन रुला रहा है मेरे को? कौन, मम्मी की याद आ रही? अरे नहीं, मेरे को रुला रही है, मैं बताऊं कौन? ये प्याज। और ये बहुत ज्यादा रुलाती है मेरे को। लोग कहते हैं कि सासू माँ प्यार करती हैं, बट मैं इस बात पे कतई भरोसा नहीं करती। प्यास तो हम ही रुलाती जब कभी प्यार काटते हैं। हाँ तो आपकी आपकी सास भी आपको प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं इस बात पे भरोसा नहीं करती। प्यास ये सिर्फ मिथ है कि प्यास सास प्यार करती है, सास तेज है। ऐसे वो चूल्हे पे जब धुआं उड़ता है लकड़ी का, हाँ लगता है आग ताकते जब, हाँ तो वो बोला जाता है लाड़ कर रही। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें बनावटी हैं, दिखावटी हैं, इनमें मनाओ। मैं बनाने वाली हूँ, मैंने मतलब चावल बना दिए हैं, दाल भी बॉईल कर, मतलब दाल में भी सीटी लगा दी है। सो गाइज, आज मैं जो दाल बनाने वाली हूँ ये मेरी मिशिका की फेवरेट दाल है, जिसको बोलते हैं पीली दाल, मिशिका बोलती है पीली दाल। इसमें सिंपल ही आपको राई डाल देती, सरसों, थोड़ा सा जीरा, ठीक है, और थोड़ी सी कड़ी, उसके बाद 4 से 5 ये हरी मिर्च, ठीक है, जो थोड़ी सी अच्छी हो जाए, तो फिर आप इसमें प्याज डालें, क्या कूट रही है? लहसुन लहसुन छोटा छोटा है, काट के बनता भाई से, यहाँ से फिर कुछ ही डाल दी सब चीजें, थोड़ा सा इसमें डालना प्याज, प्याज भूल जाए अच्छे से, रेड सब डालने ये लहसुन, ये दाल हमारी बॉईल हो गई है। इसमें मैंने हल्दी और टमाटर और दाल तीनों चीजें अच्छे से डाली है, इसको मैं चम्मच से अच्छी मैश कर दूंगी, क्योंकि आज पापा को नहीं खानी है जी, इसलिए उस हिसाब से बना ली है। रात की रखी है बरबटी की सब्जी, रात में मैंने बरबटी की सब्जी बनाई थी, वो रखी है, तो हम लोग सोच रहे हैं बरबटी की सब्जी, क्योंकि बाबू को मसाले वाली दाल पसंद है, बाबती वाली दाल नहीं पसंद है, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सबकी पसंद बन जाए, और कोशिश करना चाहती हूँ। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा इतना सा लहसुन, इसको आप अच्छे से चला दो, एग्जॉस्ट पे चला दिया है, वॉइस नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो आप, हमारा जो एग्जॉस्ट है वो क्लीन क्लीन जो आवाज करता है, इसकी वजह से जो मुझे म्यूजिक ऐड करना पड़ता है किचन में, रियल वॉइस नहीं डालना चाहती हूँ। ये दाल दाल थोड़ी सी ज्यादा थिक हो गई है, जिसमें आप पानी ऐड कर दो, थोड़ा ऐसी दाल इतनी होनी चाहिए दाल, इतने भी पतली है ना इतनी। अब इसमें बस धनिया पत्ती ऐड करनी है, और आप चावल और दाल के साथ आराम से खा सकते हो, और सोने पे सुहागा के लिए आप आलू की भुजिया होती है जो, वो भी बना सकते हो, बट क्योंकि हमारे यहाँ बर्फी और आलू की सब्जी रखी हुई है, तो इस वजह से मैं आलू की भुजिया नहीं बनाने वाली, अदरवाइज मैं बनाती इसके साथ जरूर। तो इसको बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, और हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ पे जो है ना दाल को कलरफुल खाना पसंद करते हैं, दाल जितनी ज्यादा कलरफुल होती है उतनी अच्छी लगती है, जैसे कि इसमें हरी मिर्च दिखना चाहिए, इसमें धनिया पत्ती दिखनी चाहिए, इसमें मिर्च दिखनी चाहिए,
टमाटर दिखने चाहिए, जीरा और राई दिखनी चाहिए, मतलब अगर ऐसी दाल नहीं दिख रही है ना तो दाल कोई खाना पसंद नहीं करता। तो इस वजह से थोड़ी सी दाल को कलरफुल मैंने बना दिया है, इसमें सारे कलर आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, अब मैं बनाने वाली हूँ रायता, और रायता की रेसिपी अगर आप लोगों को देखनी है तो चलो हम रायते की रेसिपी आपको दिखा देते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बूंदी बनाऊंगी, मतलब जो रायते में बूंदी डाली जाती है। तो मैं रेडीमेड मंगा लेती हूँ, सीधे 1 किलो आधा किलो जितने भी मेरे को मंगानी होती है रख लेती हूँ, और गर्म पानी करती हूँ, और गर्म पानी में इस तरीके से उसे भिगो देती हूँ। और इसको अब मैं छन्नी से छान भी दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी दही, क्योंकि सिर्फ मुझे 2 कटोरी रायता बनाना था, 2 कटोरी से ज़्यादा ही बन जाता है, क्योंकि 1 कटोरी दही लेती हूँ, 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पतला रखना पड़ता है, पानी डाल देती हूँ तो वो हो जाता है, वैसे 2 कटोरी से ज़्यादा ही हो जाता है। सो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने पहले फेंटा, और उसके बाद इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिलाया, मतलब एकदम चिल्ड वाला पानी। उसके बाद चम्मच रखी, चम्मच में थोड़ा सा घी डाला 1 चम्मच, ये घर का ही घी है जो कि मैंने बनाया था। एंड यहाँ पे मैंने राई, मेथी एंड जीरा, ये तीनों चीज़ें डाली, इसको अच्छे से चिटकने दिया। उसके बाद थोड़ी सी इसमें हींग भी ऐड करूँगी। हींग से क्या होता है, खुशबू तो अच्छी आती है, साथ में पाचन क्रिया के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली डाली, उसके बाद ये हींग डाल दी। एंड अब आपको इसमें डालना होता है, अगर चाहें आप तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी हल्दी। तो मैं बस वहाँ पे हल्दी ऐड करने के लिए मैंने बिल्कुल जरा एक तो एक पिंच मैंने हल्दी निकाली, एंड जैसे ही मैंने वो डालने को की वो नीचे गिर गई, क्योंकि जब हम ये रायता बनाते ना जल्दी जल्दी होता है कि ऐसा ना हो आग पकड़ ले और जो चीज़ें हैं उसके अंदर की वो अच्छे से पक ना पाए। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, फिर उसको थोड़ा सा इसमें आग लगाने की कोशिश की, और रोज़ आग लग भी जाती है और बहुत ज़ोर वाली आग लगती है, लेकिन आज क्योंकि वीडियो बना रही थी तो दिखाई नहीं कि आग लगी है। और ये देखिए हमारा रायता जो है वो रेडी है। अब इसमें आपको नमक ऐड करना है, आप नमक कौन सा ऐड करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमने बूंदी बनाई हुई थी वो छान के इसमें डाल दी है, पानी पूरा निकल चुका था उसका। उसके बाद ये छाछ मसाला जो है इसको आप डाल दें थोड़ा सा, और थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। एंड यहाँ पे आप चाहें तो प्लेन नमक जो होता है वो डाल सकते हैं, सीधा नमक भी डाल सकते हैं। और अगर ये तीनों ही नमक, मतलब प्लेन नमक और सीधा नमक नहीं डालना है आपको, तो फिर आप यहाँ पे आप मतलब काला वाला नमक जो होता है वो डालिए, उससे भी आपका जो पाचन क्रिया होती है बहुत ही अच्छी होती है। और सिंपल इस तरीके का आप रायता डालिए, बनाइए, खाइए। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्तियाँ भी डालिए ताकि जो लुक है उसका लुक अच्छा लगे, मतलब रायते का। एंड बस सर्व कर दीजिए, देखिए कितना गाढ़ा कितना यम दिख रहा है, एक बार जरूर ट्राई करना इस तरीके से। सो गाइज, इवनिंग हो चुकी है एंड मैंने सोचा था कि मैं इस ब्लॉग को और कंटिन्यू करूँगी, बट नहीं कर पाई क्योंकि मैं सो गई थी, उसके बाद नल आ गए, फिर घड़ी भरने लग गई, बॉटल्स भरने लग गई, फिर मैं किसी किसी काम में बिजी हो गई, और होते होते 7 बज गए हैं, और मुझे ये ब्लॉग भी लाइव करना है क्योंकि 3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं गया। एंड ऑल्सो आप लोग मुझे रिपीट कर देते हो कि वीडियो कब आएगा, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को डाल दूँ, जैसा भी है आप लोग इन्जॉय करना। एंड आज बाबू थे इसलिए ब्लॉग भी बन गया, नहीं तो वो ब्लॉग भी नहीं बन पाता, क्योंकि मैं रोज़ सोचती हूँ बनाऊँगी ब्लॉग बट नहीं बना पाती हूँ किसी, अरे होता है किसी किसी चीज़ों में बिजी हो जाती हूँ। अब देखो अगर बाबू होते तो मैं जो भी कर रही थी, घड़े भी भर रही थी वो भी शूट कर लेती, मैं बॉटल्स भर रही थी वो भी शूट कर लेती, बट वो भी बिजी थे, मैं भी बिजी थी, इस वजह से वही हुआ ना कि अपना काम करो पहले, मोबाइल बाद में देखा जाएगा, मतलब वीडियो शूट बाद में दिखी जाएगी, तो इसी वजह से। एंड ऑल्सो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग आज का कैसा लगा आप लोगों को, और किस तरीके की ब्लॉग आप देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं एंड। आई रियली होप गाइस कि आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। बाय बाय।